अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जब अकलों पे पर्दे डाल देता है तो फिर ऐसे बेहयाइयां की जाती हैं, फिर घरों से ऐसे इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, ऐसे हया के जनाजे निकलते हैं और ऐसे गैरतों के मातम बनते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते आए कि खुदारा बचिए, खुद भी इन सोशल मीडिया ऐप्स से बचाइए, अपनी सोसाइटी को भी खुदारा ख्याल कीजिए। वो मत बनिए जिससे आपका रब आपसे नाराज़ हो, वो बनिए जिससे आपका रब आपसे खुश हो। तो जब सरकशी शुरू कर दी जाती है तो फिर नताइज ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अफसोस के अलावा किया भी क्या जा सकता है। बस बताना ये मकसूद है कि आपकी, मेरी बहनें बेटियां, हमारी इस कौम की इज्जतें, हमारे इस कौम के नौजवान, हमारे बच्चे क्या क्या कुछ देखते हैं और इस सब में पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी फैमिलीज को भी कैसे फोकस रखा जाए। तो इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। अशद ज़रूरत है इस सब चीज़ को समझने की और कोशिश करनी है कि खुद भी इन चीज़ों को कंडेम किया जाए, हर किस सपोर्ट ना किया जाए। ये जो नाइस कमेंट है आपका, ये दूसरों के लिए बुराइयों की राहें मजीद हमवार कर देता है। नाइस कमेंट करना है तो यहाँ कीजिए, हम कंडेम कर रहे हैं, आप भी कंडेम कीजिए ताकि आपकी नस्लों तक, हमारी नस्लों तक ये बुराइयाँ ना पहुँच सकें। फैमिलीज़ में अगर ये सब हो रहा है तो फिर इसे आप अपनी, हम सब की, इस कौम की गैरत का जनाजा ज़रूर कहिए कि ये गलत है और इंतहाई गलत अमल है। खैर, आज की इस वीडियो पर आराज़ ज़रूर दीजिएगा, से आगे भी लाजमन शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें।